दिस इज रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस एंड आज का हमारा सेशन है, काफी डिमांड था आप लोगों का बहुत दिनों से, एरर डिटेक्शन. ठीक है, एरर डिटेक्शन का, स्पॉटिंग द एरर्स का, आई थिंक ये पहला वीडियो है. ओके और ठीक है, मैंने थोड़ा सा टॉपिक लिख भी दिया है, एरर डिटेक्शन वर्ब का है. अभी हम वर्ब का सीरीज करेंगे क्योंकि आप देख रहे हो आपके हेडिंग में ही लिखा हुआ है. ये मेंस का 2018 का जो पेपर है उसमें व्हाट आई फाउंड पेपर देख के कि आपका 30% एरर्स उन्होंने वर्ब से रिलेटेड पूछा है, या तो वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट फॉर्म में हो या एरर फॉर्म में. ओके और सेंटेंस देख के भी आपको लग रहा होगा कि थोड़े से हमारे मेंस में लेंथी सेंटेंसेस आते हैं, बट हमारा कॉन्सेप्ट वही रहता है. ऐसा नहीं है कि मेंस में वर्ब बदल जाता है, बट थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं. थोड़ा सा आप सेंटेंस का लेवल बढ़ाते हैं, लेवल बढ़ाते हैं इन द सेंस कि सेंटेंस का थोड़ा लेंथ बढ़ाते हैं, और जैसे जैसे लेंथ बढ़ता है आप स्टूडेंट्स को एरर डिटेक्शन में दिक्कत होने लगती है. जब सेंटेंस छोटा आता है तो वो तो बहुत ईजी रहता है. चलो आ जाओ, अफर्मेशंस. अफर्मेशंस फायर द विल टू फोकस एंड परसिवियरेंस टूवर्ड्स गोल रियलाइजेशन एंड अनेबल पॉजिटिव थॉट्स टू परमिएट वन सब कॉन्शियसनेस. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सेंटेंस तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या, और एग्जाम में आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आराम से बैठ के ट्रांसलेट कर रहे हो, सीधा ऑप्शन देख के टारगेट करना, एरर पे टारगेट करना. ऑप्शन तो नहीं है, खैर ए बी सी डी है. चलो मैं थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ. अफर्मेशंस, ये तो पता चल गया कि ये अफर्मेशंस क्या है, नाउन है. ठीक है, ये अफर्मेशंस नाउन है. अफर्मेशंस का मतलब होता है पुष्टिकरण, किसी चीज़ की पुष्टि करना, कोई भी चीज़ प्रूव्ड है, उसे अपने सच मान लिया है. ये अफर्मेशंस नाउन है. कैसे पता चला कि ये नाउन है? इससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हमारा सेंटेंस. अभी थोड़ा सा मैं पोस्टमार्टम करूंगी और घबराना नहीं है. ओके, ऐसे ही धीरे धीरे सीखना है आपको. यहाँ से थोड़ा सा आप पोस्टमार्टम करके होमवर्क करके जाओगे तो फटाफट एग्जाम्स में एरर करोगी. ये जो हमारा अफर्मेशन है ये नाउन है. कैसे पता चला कि ये नाउन है? एक तो इसमें एस भी लगा है, प्लूरल भी है, और प्लूरल हमारे ग्रामर में तीन ही चीज़ का बनता है. किसका किसका? नाउन का, वर्ब का और प्रोनाउन का. प्रोनाउन तो ये है नहीं, और जितने भी शन टी आई ओ एन वाले वर्ड होते हैं वो तो नाउन होते हैं. ये अफर्मेशन है, अफर्मेशन नाउन है, और हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से. ये सब्जेक्ट किसे बोलते हैं? सेंटेंस में जिसके बारे में बात कही गई है. यहाँ बात किसके लिए कही गई है? अफर्मेशंस के लिए. और आपने सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा भी होगा कि हर सब्जेक्ट के लिए एक वर्ब भी होता है, तो ये जो सब्जेक्ट है ना अफर्मेशंस, इसी के लिए एक वर्ब लगा है, फायर. ठीक है, यहाँ फायर का मतलब वो फायर मत समझ लेना, आग वाली फायर. वो आग वाला फायर तो नाउन है, यहाँ फायर को एज अ वर्ब यूज़ किया है. जैसे आपको फायर कर रहा है मतलब आपको उत्तेजित कर रहा है, आपको एनकरेज कर रहा है, आपको स्टिमुलेट कर रहा है किसी चीज़ को करने के लिए. तो ये जो हमारा सब्जेक्ट हो गया इसके लिए ये वर्ब है फायर, और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगा हुआ है. इसका मतलब है कि सब्जेक्ट वर्ब का एरर नहीं है. ठीक है, अफर्मेशंस फायर द विल. यहाँ विल का, यहाँ विल वो मॉडल वर्ब वाला विल नहीं है, यहाँ विल का मतलब है चाह, डिज़ायर. यहाँ जो हमारा विल है डिज़ायर के सेंस में, आपकी इच्छा के सेंस में, और यहाँ द लगा है इसलिए यहाँ विल को एज अ नाउन यूज़ किया गया. ओके, अफर्मेशंस फायर करता है आपकी इच्छा को. क्या करने की इच्छा? फायर द विल. इच्छा किसकी? फोकस, किसी चीज़ पे फोकस करना. एंड परसिवियरेंस टूवर्ड्स, किस ओर परसिवियरेंस दिखाना? अपने गोल को रियलाइज करना और अपने अंदर अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स डालना. ठीक है, अब आगे आ जाओ. सब्जेक्ट वर्ब का एरर नहीं है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है. एक हमारा ग्रामर में टॉपिक होता है पैरेललिज्म. पैरेलल मतलब समान. ओके, पैरेललिज्म एक हमारा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बार आपके एग्जाम्स में आता है. पैरेललिज्म में हम क्या करते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस में एंड आ गया या और आ गया, एंड से अगर दो वर्ड जुड़ा हो या और से दो वर्ड जुड़ा है, तो उस दोनों वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए. जो एंड है ना, एंड वर्ड है, नाउन को नाउन से जोड़ेगा, वर्ब को, इसीलिए हम इसको पैरेलल बोलते हैं. पैरेलल चीज़ों को जोड़ता है. एंड या और नाउन को नाउन से जोड़ेगा, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा. यहाँ पे वही वाला एरर है. यहाँ जो फोकस है ये वर्ब है, ये टू 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 प्लस वी वन. ओके, यहाँ पे टू के साथ फोकस लगा है, और आप सबको पता भी होगा टू प्लस वी वन इन्फिनिटिव होता है, और इन्फिनिटिव भी एक वर्ब का ही पार्ट है. तो यहाँ जो फोकस है ये वर्ब है, इन्फिनिटिव के रूप में वर्ब है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म? वी वन फॉर्म. ठीक है, वी वन फॉर्म है. और जो परसिवियरेंस है, परसिवियरेंस का हिंदी क्या है? धैर्यता. और धैर्यता नाउन है. जो भी वर्ड ई एन सी सी से खत्म हो, ए एन सी ई से खत्म हो, वो है नाउन. और ये एंड से जुड़ा है, और रूल क्या बताता है पैरेललिज्म वाला, कि एंड से जुड़ा है तो वो या तो दोनों वर्ब होगा या तो दोनों नाउन होगा.
ठीक है, लेकिन पहला वाला को देखते हुए हम दूसरे को डिसाइड करते हैं. विल टू फोकस, फोकस वर्ब है और परसिवियरेंस नाउन है. हमें क्या करना है कि अगर ये वर्ब है तो इसको भी वर्ब रखोगे. परसिवियरेंस को क्या बना देना है, परसिवियरेंस को बना दो परसिवियर. परसिवियर हमारा वर्ब है. अब देखो ये जो एंड है वर्ब को वर्ब से जोड़ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा एरर कौन से पार्ट में था, एरर हमारा ए पार्ट में था. ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल एरर्स आ रहा है, ध्यान रखना. नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ. व्हेन द बिजनेस इज रन स्मूथली, ठीक है, अब सेंटेंस देखो. व्हेन द बिजनेस इज, जब बिजनेस स्मूथ रन करता है तो डायरेक्टर्स बहुत हैप्पी होते हैं टू पिक एन एक्सपीरियंस इनसाइडर हु विल कंटिन्यू अलोंग द प्रेजेंट पाथ. ओके, जब बिजनेस अच्छा चलता है तो हमारे डायरेक्टर्स एक्सपीरियंस लोगों को पिक करते हैं कि सब चीज स्मूथ चले, अच्छे से चले. अब सेंटेंस यहाँ पे देखो, एरर हमारा ए में, ए में एरर किस सेंस में, यहाँ पे देखो इज है. और आप स्टूडेंट्स ने पहले पहले भी पढ़ा होगा कि इज के साथ, इज हमारा यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद मेन वर्ब आ रहा है. इज के साथ या तो हमारा आईएनजी फॉर्म आता है, इज के साथ या तो V3 फॉर्म आता है. ठीक है, आईएनजी फॉर्म किसको बोलते हैं, या तो फोर्थ फॉर्म आता है या तो थर्ड फॉर्म आता है. बट ये जो रैन है, ये रैन कौन सा फॉर्म है, रैन हमारा सेकेंड फॉर्म है. V1 V2 पढ़ा होगा और V1 V2 का वीडियो भी डाला है मैंने, रन रैन और अगेन रन. रैन तो V2 है, बट इसके साथ ना तो V2 आता है, V2 तो आता ही नहीं है, या तो V3 आता है या तो V4 आता है. लेकिन इसके साथ V3 कब आता है, जब हमारा सेंटेंस पैसिव में जा रहा है. अब सेंटेंस देखो, जब बिजनेस अच्छे से चल रहा है तो डायरेक्टर्स हैप्पी होते हैं, तो ये सेंटेंस तो हमारा एक्टिव वॉइस में जा रहा है, तो एक्टिव वॉइस में V3 तो नहीं आएगा, V4 आए. ओके, व्हेन द बिजनेस इज रनिंग, तो हमारा एरर कौन से पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में. चलो दो सेंटेंस और कर लेते. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. एरर्स हमारे सारे वर्ब पे ही बेस्ड है. आपका काम आसान कर दिया है, हेडिंग में ही वर्ब डाल दिया है, तो अपनी आंख पूरा वर्ब पे टिका के रखो. सब पैरेललिज्म वाला ही डाला है मैंने. बर्थ्स रिसोर्सेज, बर्थ के जो रिसोर्सेज है, आपके जन्म के जो रिसोर्सेज हैव टू बी प्रोटेक्टेड. इसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, और इसे सस्टेन, सस्टेन मतलब आगे भी बनाए रखना. पहले तो बचाना, उसे आगे भी बनाए रखना. एंड वी नीड टू शेयर आवर रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को अक्रॉस स्पीशीज में शेयर करना चाहिए. एज वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड एज वन जायंट लिविंग ऑर्गेनिज्म. इतना पूरा सेंटेंस समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करो. अब देखो, हैव टू बी, बी के साथ क्या है, बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. प्रोटेक्टेड तो थर्ड फॉर्म है, एंड से जुड़ा है, ठीक है, और पैरेललिज्म वाला रूल फॉलो करते हैं, तो एंड से जुड़ा है तो इसको भी थर्ड फॉर्म ही होना चाहिए. प्रोटेक्टेड है तो ये भी वर्ब है, इसको भी क्या कर दो, सस्टेंड. ओके, इसका मतलब एरर किसमें, ए पार्ट में. ठीक है, आपको लग रहा होगा कहाँ से इतने लेंथी सेंटेंस पिक करके लाई हूँ मैं, ये आपके 2018 के पेपर का ही है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि मैंने खुद बनाया हो. आ जाओ नेक्स्ट वाला. कैन इंडिया मेक इट टू अ लीडरशिप पोजिशन, क्या अपने आप इंडिया अपने आप को लीडरशिप वाले पोजिशन पे पहुंचा सकता है, क्या वो अपने आप को, और विल इट बी रिटेन्ड, रिटेन करना मतलब रोक लेना, ठीक है, पीछे, और वो अपना पहला वाला इमेज, फास्ट ग्रोइंग वाला, स्लो इमेज वाला रखेगा. ये बोल रहे हैं एज इट ऑलवेज हैड, इंडिया का जो पहले से इमेज था वो उसी पे रहेगा, या इंडिया अपने आप को लीडरशिप वाले पोजीशन में ऊपर ले जाएगा. ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया, आंसर नहीं, क्या इंडिया उस पोजीशन पे ले जाएगा या पहले की तरह वहीं रह जाएगा. ठीक है, अब सेंटेंस देखो, कैन इंडिया मेक इट, ये विल इट बी रिटेन्ड, विल इट बी रिटेन्ड मतलब इंडिया को कोई रोकेगा, इंडिया इंडिया को कोई रोक नहीं रहा है, इंडिया खुद रुकेगा. ठीक है, यहाँ काम इंडिया कर रहा है. ओके, पहला वाला पार्ट, कैन इंडिया मेक इट, क्या इंडिया पहुंच पाएगा, तो पहुंचने का काम तो इंडिया करेगा. यहाँ इंडिया एक्टिव है, इसका मतलब है सेंटेंस किस में जा रहा है, एक्टिव वॉइस में जा रहा है. और नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में वो सेंटेंस को पैसिव लेके चलेगा. इंडिया विल इट बी रिटेन, क्या इंडिया को स्टॉप किया जाएगा, इंडिया को कोई स्टॉप नहीं करेगा, इंडिया खुद स्टॉप होने वाला है. पहला पार्ट हमारा एक्टिव जा रहा है और नेक्स्ट पार्ट हमारा पैसिव जा रहा है, और किससे जुड़ा है, और से, और एंड वाला सेंटेंस में पैरेललिज्म फॉलो करना है. अगर ये एक्टिव जा रहा है तो दूसरा भी पैसिव एक्टिव ही जाएगा, तो विल इट बी रिटेन्ड नहीं होगा, क्या होगा, विल इट रिटेन, क्या इंडिया स्टॉप हो जाएगा या आगे बढ़े. अब देखो, कैन है मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहां भी मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दोनों को एक्टिव रखना. ओके, तो आई थिंक आपको वर्ब का ठीक है थोड़ा